सूखती नदियाँ सूखते नल। जी हाँ दर्शकों, न जाने क्या होगा आने वाला कल। जल संकट से झाझा घिरने लगा है। झाझा नगर परिषद क्षेत्र के कई ऐसे वार्ड, आज मैं सी बाजार का आपको नज़ारा दिखाऊंगा, जहाँ पानी के जगह पर मिट्टी निकलने लगा बोरिंग से। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे ये सूखती नदियाँ आपको दिखाएं, कहीं भी दूर दूर तक एक बूंद नल नहीं। जिस तरह से मिट्टी और बालू की खुदाई हुई है, जिस तरह नदियों का दोहन हुआ है, कहीं न कहीं आने वाले समय में ये गंभीर जल संकट उत्पन्न करेगा। एक तरफ तो पानी के लिए हाहाकार है, तो दूसरी तरफ यहाँ नल जल का हाल देखिए, यहाँ पाइप फटी हुई है और पानी यूँ ही बर्बाद हो रहा है। अभी मई का अंतिम सप्ताह है, मई महीने में, जून महीने जाने कितना घोर जल संकट आएगा। ये जो देख रहे हैं, गंदगी का अंबार तो है ही, लेकिन ये पाइप फटी हुई है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। बूंद बूंद के तरफते लोग और यहाँ पानी बर्बाद होता दिख रहा है। एक नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गंदी है, नगर परिषद देख लीजिए, नगर परिषद का हाल। कैसे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए समझ में नहीं आता। जब जनता को सुविधाएं ही नहीं मिलेगी, फिर टैक्सेस किस लिए जनता दिया करेगी। जिस तरफ ये गंदगी का अंबार नहीं, ये सोचिए ये डंपिंग यार्ड नहीं है दर्शकों, ये भी मैं बताऊँ आपको, ये डंपिंग यार्ड नहीं है, डंप करने का एरिया नहीं है, फिर भी नदियाँ सूख गई, नल सूख गए और प्यासे रह गए होठ। देखिएगा वीरेंद्र कुमार की बहुत ही ग्राउंड रिपोर्ट। बबलू जी, जिस तरह से जल संकट गहराने वाला है आने वाले समय में, अभी तो मई ही खत्म नहीं हुआ है, तो क्या कुछ होगा जून में, पानी के बिना मरेंगे लोग। जी वीरेंद्र जी, हम आपके चैनल के माध्यम से झाझा ही नहीं बल्कि जमुई जिला के प्रशासन को भी इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि जो जल ही जीवन है, और आज झाझा का शिव बाजार बहुत घनी आबादी का यह मोहल्ला है, यहाँ लगभग सभी घरों में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, कोई शुद्ध लेने वाला भी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि भी शुद्ध लेने वाला नहीं है। ऐसे हालात में यहाँ के जो निवासी हैं पानी के लिए इधर उधर परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज झाझा शिव बाजार के लोग पैसा रहते हुए भी, सक्षम होते हुए भी पानी के बिना तरस रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि झाझा में कोई बढ़िया बोरिंग का मिस्त्री भी नहीं है, अगर है तो बालू का उठा भी कारण है अध्यक्ष महोदय, बालू का जो उठा हुआ वाटर लेयर बहुत भाग है कि वो समय नहीं निकाल पाता है। और दूसरा एक बात और कहना चाहते हैं कि जो वाटर लेवल, ये जो पानी का भागा है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है झाझा के आसपास से बालू का उठाव। झाझा का जो ये मामूली जिलाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं, जिला नदी है, जिलाधिकारी यहाँ पर बालू का उठाव इतना हो गया है कि इसका भी बहुत बड़ा कारण है वाटर लेवल का भागना। हम अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि झाझा की जनता की हित और सुविधा को देखते हुए कम से कम झाझा बाजार के आसपास का जो एरिया है वहाँ बालू का उठाव रोका जाए, जिससे कि यहाँ के जनमानस पानी के बिना तरसे नहीं, ऐसा न हो कि जल के। मुन्ना जी, जिस तरह आपने बताया कि काफी जल संकट है, बोरिंग भी फेल हो जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे, पानी की कैसे बहुत किल्लत है? बहुत किल्लत हो गई है यहाँ पानी की, बहुत दिक्कत है। एक और छात्रा हमारे साथ जुड़े, क्या नाम है आपका? साक्षी टिंडे से। साक्षी, क्या पानी की कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, अभी तो हमारा पानी बहुत मतलब चल गया था नीचे, नहीं आ रहा था पानी, एकदम पानी नहीं आ रहा है, ये हैंडपंप से काम चल रहा है। सोनू जी, जिस तरह से जल संकट गहराता जा रहा है झाझा के कई इलाकों में, सी बाजार में भी वाटर लेयर बहुत भागा है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जल संकट तो बहुत दिन पहले से हम लोग जान रहे थे कि जल का जो है संकट आने वाला है, लेकिन इतना जल्दी जल से लोग परेशान हो जाएंगे ये नहीं सोचे थे। अभी आपको बता दें, इधर एक सप्ताह 10 दिन से झाझा शिव बाजार में जल संकट काफ़ी बढ़ गया है, लोगों का मोटर का लेयर बिल्कुल ही सूख चुका है, बहुत घरों में पानी की समस्या बढ़ गई है, और इसका एक कारण कहीं ना कहीं बालू का जो है उठाव है। आप देखेंगे हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ऐसा लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं,
बालू उठाने का 5 फीट तो उठ रहा है, 25 फीट बालू का 25 फीट नदी को गड्ढा कर दिया गया है, जिससे पानी का संकट बढ़ गया और आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या नाम है आपका? राखी टंडे से। राखी जी, जिस तरह से जल संकट गहराता जा रहा है, क्या आपके यहाँ भी पानी का लेयर भागा है? पानी का बहुत दिक्कत हो गया, 10 दिनों से पानी, कुआं कम में मोटर है उसमें पानी सारा सूख गया है, बहुत पानी का दिक्कत हो गया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलता भी है तो फिर मट्टी उसमें के अंदर से आता है, दिक्कत हो गया। क्या नाम है अम्मा जी आपका? इंदिरा टंडे से। इंदिरा जी, पानी की कितनी दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, हम लोग कुआं से थोड़ा सा पानी लाते हैं तो नहाते हैं, बर्तन उतन धोते हैं, काफी जल संकट है। हाँ, 10-12 दिन से बहुत दिक्कत होती है। जून में तो और स्थिति खराब होगी, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है। अभी तो मई है, आगे पता नहीं गर्मी और बढ़ेगी तो क्या होगा। जी, कहीं ना कहीं जो वाटर लेयर भागा है उसका कारण नदी से बालुओं का उठाव भी हो सकता है, जो प्राकृतिक कारण है वो तो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ जिन लोगों के नल जल योजना का जो है, जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं उदासीन बना हुआ है उन लोगों का रवैया, जिस कारण पूरा मोहल्ला में जो है ये संकट है। कितना जरूरी है पानी मिल रहा है? जरूरी, नदी में एकदम पानी नहीं है, बालू भी खत्म हो चुका है, जनता इससे परेशान है, बाबू बाग का और सारे लोग, शिव बाजार पूरा तराई माह में पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। पानी की कितनी दिक्कत है? पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, काफी दिक्कत है पानी का, बहुत दिक्कत। जो जल नल योजना जो है, जो मोदी जी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया कर दिए, बहुत बढ़िया कर दिए, एकदम फेलियर है यहाँ जल नल योजना, फेलियर है एकदम, पानी की काफी दिक्कत हो रही है, पानी के काफी दिक्कत है। क्या क्या यहाँ लग रहा है, पानी की कितनी दिक्कत है? पानी का तो बहुत दिक्कत है सर, पानी का लेयर इतना भागा हुआ है कि हम लोग को सप्लाई पानी पर आश्रित है, सप्लाई पानी भी उतना ढंग से नहीं आता है, एकदम धीरे धीरे गिरता है, क्या किया जाए, कोई उपाय भी नहीं है। क्या लग रहा है जल संकट सी बाजार में काफी गहराता जा रहा है? यहाँ पर 70 फीट के बाद पत्थर है, पानी का लेवल ऐसे ही पहले से कम है, और पानी जिस तरह गर्मी का मौसम है, पानी का लेयर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जल का दोहन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे दिन पर दिन पानी का लेवल घटते जा रहा है, और जिस तरह बारिश नहीं हो रही है, बारिश की समस्या है, तो दिन पर दिन आने वाले दिन में नदी में जो बालू का उठाव, बालू का ज़्यादा उठाव होने के कारण बालू में पानी का शोषण शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए पानी का लेवल और तेजी से बढ़ रहा है, घट रहा है, यही सब कारण से पानी का लेवल बहुत ज़्यादा घट रहा है। क्या नाम है? विद्या देवी। विद्या देवी, पानी पूरा आ रहा मैडम? नहीं, पानी आ ही नहीं रहा है। और कैसे पानी पीती है फिर? वही हैंडपंप से जो है वो चल रहा है, बस बस एकदम वाटर लेने भाग गया। हाँ। तकलीफ हो रहा, नहाने पीछने की तकलीफ हो जाता। हाँ। तब अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सपना केसरी है। सपना, पानी का कितना दिक्कत? इतना दिन के बाद अपने मैके आए, पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अरे आप तो रो रही हूँ यहाँ आके, बेकार आ गए जा। सोचिए बंगाल से बिहार आए, इतना तकलीफ हो रहा है हमको अपने मैके आके, हम सोचे आराम से रहेंगे, क्या रहे बोलिए, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ आके। और हमारे साथ व्यापारी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, क्या नाम है? मनोज कुमार केसरी। तो मनोज जी, पानी का कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, पूरा सिर्फ बाजार ठप पड़ा हुआ है, वहाँ चापा कल सब सूख गया, खाली एक बाबा जल चल रहा है ये चापा कल। पानी का कितना दिक्कत है, जल संकट आ रहा है यहाँ? पानी का तो दिक्कत है भैया, पूरा लेयर भाग गया। हाँ। काफी दिक्कत है पानी का, बहुत काफी। क्या नाम है आपका? ललन केसरी। सुनील कुमार। प्रेम कुमार। सुनील कुमार, सुनील जी, जल संकट कितना है, पानी की कितनी दिक्कत है? मोहल्ले में पानी का संकट तो बीच में ज्यादा बना हुआ था, और इधर हुआ भी तो प्रेशर बहुत कम रहता है, मैंने नहीं के बराबर, बहुत बहुत जल। एक जो हैंडपंप है बाबा वाला जल है, वही जान बचाए हुए लोग कर, वो जो है कुछ लोगों का जान बचाए हुए है। हमको लगता है सैकड़ों घरों में पानी हैंडपंप से ज्यादा होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लेयर जो है चला गया है, और नल जल योजना वाला तो जो है बहुत दुखद स्थिति है इसका। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम स्नेहलता देवी। क्या पानी की बहुत दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, वाटर लेयर भाग गया पूरा, पूरा भाग गया। क्या कारण हो सकता है? नदी में जो बालू उठा हुआ है ये भी कारण है क्या? नहीं, पाइप फटा हुआ था तो। नहीं नहीं, हाँ बोलिए ना कि बालू पाइप तो नल जल वाला फटा हुआ। हाँ। जो पानी का लेयर भागा। हाँ, पानी का लेयर भाग गया, हम दो जगह कराए, पानी भी नहीं निकला, मेरा बोरिंग वाला भी पानी नहीं निकला, जल नल तो फेल है पूरी तरह। क्या कहाँ रहती है आप? सी बाजार बाबूबाग। क्या लग रहा है राजू जी, जल संकट गहराता जा रहा है सिर्फ बाजार में भी? बाजार में तो बहुत स्थिति गड़बड़ है, यहाँ पानी का इतना दिक्कत है, हम क्या बता रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा है, लेयर वाटर लेयर बहुत नीचे चला गया, यहाँ कुआं सूख रहा है, उसके बाद जाकर के चापाकल सूख रहा है, बहुत संकट है।
नाम है? गुड्डू। गुड्डू, क्या लग रहा है, पानी की बहुत दिक्कत है आपका तो, सब काम भी लॉन्ड्री का है। हाँ, पानी की समस्या बहुत खराब है। नदी में पानी है? नदी में पानी नहीं है, काफी जल संकट है। काफी जल संकट है, पीने का अभाव हो रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमन केजरीवाल है। रमन जी, पानी का लेयर जो है खत्म हो गया? पानी का लेयर घट रहा है, बहुत घट रहा है, जल संकट काफी दिक्कत है, काफी दिक्कत हो रही है। कुआं का भी लेयर भाग रहा है।